हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र सागर, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल ग्रुप इंजीनियर क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी अच्छे खासे। हम लोग कल कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर को समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि आप लोग के एमटीएस के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इससे एक या दो नंबर पूछा जाता है और बिल्कुल सरल है। आप लोग चाहे तो बिना पेपर कॉपी के भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा न्यू चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आकृति गणना यानी फिगर काउंटिंग जो चैप्टर होता है उसको पढ़ेंगे। फिगर काउंटिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं आकृति गणना। यह हिंदी में होता है आकृति गणना। यह आप लोग के चैप्टर में आकृति गणना से एमटीएस में सवाल पूछे जा रहे हैं। एनालिसिस हम देखे हैं एमटीएस में, फिगर काउंटिंग से आप लोग के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। फिगर काउंटिंग में क्या होता है, आसान होता है। जैसे में हम आप लोग से कई टाइप में पढ़ेंगे हम लोग फिगर काउंटिंग। ठीक है, पहला टाइप में जैसे कि हम आप लोग से पूछते हैं, टाइप फर्स्ट हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट में हम कुछ बेसिक में बताते हैं आप लोग को। जैसे कि पूछा जाता है, मान लीजिए कि आप लोग से हम पूछते हैं, यह एक त्रिभुज दे रखा है। यह एक क्या दिया है, त्रिभुज दिया है ए बी सी। ठीक है, यह त्रिभुज दिया है। आकृति में अगर इसमें आप पूछे कि कितनी आकृतियां हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, सिंपली बता देंगे ए बी सी एक त्रिभुज है तो एक आकृति हो गई। ठीक है, इसे तो आप लोग आसानी में बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अगली आकृति बना दें, अगला आकृति बना दें इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी। अगर आप इसमें हम पूछे कितने त्रिभुज हैं तो आप लोग इसे भी आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी डी करिए इसे पहले, ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए सी डी। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज हैं। आप इस तरह से इसे बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से एक और आप लोग से आकृति दे करके हम पूछें, एक और आकृति दे देते हैं। ठीक है, एक और आकृति मान लीजिए हम आप लोग को दिए, ABCDE। आप इसमें आप पूछे कितनी आकृति है, इस त्रिभुज में कितनी आकृति है, त्रिभुज है इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आप लोग इसे भी बता सकते हैं। ए बी ई पहला बताएंगे इसे, ए बी ई पहला तो इसे बताएंगे ही, ए बी ई। अब बताएंगे ए बी सी, ए बी सी, फिर बताएंगे ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, फिर बताएंगे ए बी ई, ए बी ई। ठीक, ये बता दिए। अभी भी इसमें कुछ त्रिभुज छिपे हैं, जैसे देखिए आप इसको ले सकते हैं ए बी डी। ठीक, आप इसे बता सकते हैं ना, ये देखिए ये बन रहा है ए सी ई, ए सी ई, ए ए सी ई, तो इसी तरह से बन जाएगा ए बी डी। इसी तरह से बन जाएगा हमारा ये वाला, ये बनेगा हमारा ए बी डी।
ए बी डी इस तरह से होगा। कितनी आकृति में होंगे इसमें? इसमें कितने त्रिभुज होंगे कोई बताए? इसमें कितने त्रिभुज होंगे? छह त्रिभुज होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीन त्रिभुज इसी तरह से होगा। एक पूरा को ले लिए, चार हो गए, एक दो तीन चार हुए कि नहीं हुए? देखिए यहाँ पर पहला एक बड़ा वाला ले लिए, ए बी ई, ठीक हो गया। ए बी सी दूसरा हो गया। ए सी डी इसको लिखिए, ए सी डी हो गया। ए डी ई, ठीक, ए डी ई हो गया, ठीक है। अब देखिए ए सी ई एक हो जाएगा, ए बी डी अभी हो जाएगा हमारा, ए बी डी। कितने त्रिभुज हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि इसमें छह त्रिभुज है। अब आप लोग से हम एक बात पूछते हैं, क्या आप लोग एग्जाम में इसी तरह से त्रिभुज को या आकृति को कोई पूछेगा कि कितनी आकृति दिया है प्रश्न में, तो क्या आप इसी तरह से हल करेंगे? इसी तरह से आप गिनते चलेंगे? ये एक कौन सा मेथड था हमारा? बेसिक था ये हमारा, लॉजिक कौन सा लगाया? बेसिक मेथड है। क्या एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह चल करेंगे? नहीं, एग्जाम में बहुत कम समय होता है और आप लोग इस तरह से आप लोग नहीं हल कर सकते। चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। अब आते हैं ट्रिक बताते हैं आप लोग को कैसे ट्रिक से हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये त्रिभुज दिया था, हल करना था, तो आप लोग काउंटिंग कर रहे थे, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस ध्यान से देखिए और बने रहिए चैनल पर। देखिए आप लोग चुटकियों में हल करेंगे बिना पेपर और कॉपी के, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक ही त्रिभुज है ना, एक तो होगा, यानी कि इसका एक त्रिभुज हो जाएगा ये। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में हम त्रिभुज जो दिया है, दूसरा त्रिभुज ये दे रखा था, ऊपर दिया है, देखिए सेम इसी तरह से है। अब इसमें क्या करना है? कुछ मत करिए, या नंबर लिखना है तो लिखिए, नहीं मत लिखिए, क्या एग्जाम में ABCD दर्शाने जाएंगे? नहीं। देखिए क्या करेंगे, एक और दो कितने त्रिभुज हुए, कितने खाने हुए? त्रिभुज तो छोड़ो, यहाँ पर एक खाने थे, यहाँ पर कितने हो खाने हो गए? दो खाने हो गए। एक और दो यानी कि 1 धन 2 करिए, एक और दो कितना होता है? 3 होता है। एक और दो, दो खाने थे तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक हो गया दो, दोनों को जोड़ेंगे 3 होगा। देखिए ऊपर भी एक दो तीन, 3 बार आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ पर बेसिक से लगा, तो यहाँ पर ट्रिक पे लगा रहे हैं, देखिए वही आंसर है कि नहीं है? है ना, तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, ये दिया है, इसका चाहे तो नामकरण कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में नामकरण करने पर समय कहाँ है, आप इस तरह से थोड़ी हल करेंगे। अरे ट्रिक उठाए फटाक से आगे बढ़े कि तब तक आप हल करने चलेंगे कितने लड़के आपसे आगे निकल जाएंगे, पता चला आप गिनते ही रह गए। ठीक, इसको भी देखते हैं, एक दो तीन कितने खाने बने यहाँ पर? 3 खाने बने ना, तो इसको भी क्या करेंगे? 1 धन 2 धन 3, यानी 1 धन 2 धन 3 कितना हो जाएगा हमारा? 3 2 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी हम काउंटिंग कितने बेसिक से किए थे, तो कितने त्रिभुज बने थे हमारे? 1 2 3 4 5 6, 6 बने थे ना। देखिए कितने आसानी से आ जा रहा है, कुछ मत करिए, बस खाने गिनिए कितना है, 1 2 3 सबको जोड़ ऐड करिए, जोड़ दीजिए सबको, जोड़िए कितना होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी तो एक रो खींचा था ना, कितना हुआ? आप रो खींच लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग तो बस समझ में आ गया, हल कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गया तो
सवाल आप लोग के लिए क्या है, चलिए देखते हैं इसके लिए। 1 2 3 4, कितने खाने बने भैया? 4 खाने बने। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, खत्म। 4 3 7, 7 2 9 1 10, यानी कि यहाँ पे 10 त्रिभुज है। आप उस तरह से काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते रह जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ देने हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब आपसे कितना हूँ बड़ा से बड़ा सवाल दे दे, कितना हूँ बड़ा से बड़ा दे दे, और कुछ दे अगर ना आए तो बताइएगा। मान लेते हैं ये दिया है आपको, लो भाई लो, हल करो। बताइए कितना होगा, एक और खींच लो, क्या दिक्कत है। अब त्रिभुज पूछ रहा है कितने आकृति में कितने त्रिभुज हैं, पूछेगा इसमें कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे? अब इसे देखिए, हल करने के लिए बात कुछ नहीं, खाने गिनिए कितने खाने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने थे, तो लिखिए यहाँ पर इसके आगे। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7, हो गया। बस जोड़ दीजिए, ये 7 हो गया, 7 3 10, 6 4 10। ठीक, 2 1 3 हो जाएगा, 5 3 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। यानी देखिए क्या होगा, 7 3 10 हुआ था, 1 10 1 10, 20 हो गया। अब 20 5 3 8, 20 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, अरे यहाँ पे 6 4 10 और 7 3 10, 10 10 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 2 27 हो गया, और एक क्या होगा, 28 हो गया। यानी किस तरह से हमारे सवाल क्या होते हैं, हल हो जाएंगे, इतनी आसानी से हल हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, 2 सेकंड के लिए फिर मिटाते हैं। ठीक है, मिटा दें, चलिए आगे देखते हैं। आकृति गणना में कुछ नहीं है, बस आप लोग बिना पेपर कॉपी के अभी हल कर सकते हैं। 1 से 2 सवाल आना निश्चित है, क्योंकि एमटीएस के सवाल में पूछा भी गया है और आएगा भी इसी में। अब टाइप 2 देखते हैं क्या हल। टाइप 1 सवाल पढ़ चुके हैं, ठीक है, टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में देखते हैं कैसे सवाल पूछा जाता है। ये भी क्या है, आकृति पूछता है, आकृति ही है। ठीक है, ये भी त्रिभुज है, ये टाइप 2 में आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये किस त्रिभुज दे दिया, ठीक, ये हमारा त्रिभुज दिया, पूछ रहा है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये आपसे कुछ पूछ रहा है आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक, अब तब तो मान लीजिए कि उस तरह से था तो आप हल कर रहे थे, काउंटिंग किए फटाक से हल कर दिए, अब कैसे भैया इसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चुटकियों में हल करेंगे, चुटकियों में बता रहे हैं ना। 1 2 3, 3 हो गया, सभी को काउंटिंग करेंगे आप। ठीक है, आपको बताया तो क्या करेंगे, सभी को काउंटिंग करेंगे। 3 2 5 1 6, 6 हो गया, 3 खाने बने थे, लेकिन बीच में क्या है, एक क्रॉस कर दिया है, यानी कि 1 खाना 2 खाना, ऊपर से भी क्या कर दिया,
दो खानों में बन गया ना, एक खाना ये हो गया, एक खाना ये हो गया, यानी कि ओरिजिनल वर्टिकल पता होगा आप लोग को, ओरिजिनटिक ओरिजिनल और वर्टिकल पता होगा, ठीक। यानी सीधी सीधा भाषा में समझिए, हमको किताबी भाषा में नहीं, हम आप लोग को अपने भाषा में समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग जल्द से जल्द समझ जाए। एक दो तीन, तीन खाने था तो तीनों को जोड़ दिए, दो एक तीन पाँच, एक छः, छः हो गया। ऊपर से देख रहा है, एक दो दो खाने बना है तो यानी कि इसमें दो का गुणा कर दीजिए, 6 × 12 यानी कि इसमें कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चाहे तो आप नोट में लिख भी सकते हैं, 12 हो गया, ठीक। नोट में आप लिख लेंगे चाहेंगे तो, नोट में लिखेंगे, ठीक है, नोट में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, किसी भी आकृति में आकृति में खानों की संख्या को गिनेंगे, खानों की संख्या को पहले गिनेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। एकदम अपने भाषा में लिखा रहे हैं, किताबी भाषा में नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। जोड़ देंगे और 36 खानों को छत्तीस खाने जितने होंगे, उतने से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये यही लिखा गया है कि पहले क्या करेंगे, किसी भी आकृति में खानों की संख्या को गिनेंगे, एक दो तीन, तीन खाना हो गया, गिनेंगे, ठीक है, गिनेंगे और उन्हें जोड़ लेंगे, यानी 3 × 2 = 5 = 6 जोड़ लिए। और आगे देखिए, 36 यानी कि ये वाला 36 जो है, एक दो 36 खाने जितने होंगे उतने से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि एक दो, दो 36 खाने थे ना, 6 × 2 गुणा कर दिए, कितना हो गया, 12, यानी कि इस त्रिभुज में खानों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर कितनी होगा, 12 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे सवाल देखते हैं, आगे देखेंगे। जैसे कि ये दे दिया है, ये आकृति कोई दिया है, ये आकृति दे दिया है, अब इस आकृति में पूछ रहा है कितने त्रिभुज होंगे, तो क्या बताएंगे आप। सर्वप्रथम हम आप लोग को बता चुके हैं, तो पहला सवाल मान सकते हैं, आप ले सकते हैं पहला है। अब इसको क्या करेंगे, हम खानों की संख्या को पहले गिनिए, 1 2 3 4 खानों की संख्या को गिन लिए, 4 खाने हो गए, चारों को क्या करेंगे, हम 4 खाने जब हो गए तो हम ऊपर लिख भी चुके हैं नोट में, अपने भाषा में लिखा गया, किताबी भाषा में नहीं है, आप लोग आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 4 खाने आए तो पहले क्या करे थे, खानों को गिन करके ने क्या करना था, जोड़ना था, तो 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 1 कितना होता है, 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9 = 1 = 10। अब क्या कर रहा है, 36 खाने कितने हैं, तो 36 खाने हम बना देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारे 36 खाने हो, ठीक है, 36 खाना, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 36 खाने कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो हम क्या करेंगे, आप 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 10 × 3 = 30, यानी कि हमारा त्रिभुज में कितनी आकृति हो गई, या कितने त्रिभुज हो गए, या कितनी आकृति हो गई, तो यहाँ पर कितनी हमारी आकृति हो गई, आकृति हमारी यहाँ पर 30 हो गई, ठीक।
बस इसी तरह से हल करना है। हो गया ठीक। अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज में पूछ रहा है कितनी आकृतियां हैं, बताना होगा आप लोग को। बताएंगे, एक दो तीन। एक और ले लेते हैं, चार। अब इस आकृति में, इस त्रिभुज में आकृतियों की संख्या पूछेगा कि इस त्रिभुज में आकृतियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को बताना है। कुछ सेकंड का समय दे रही है आप लोग को, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएं कितना होगा। इस आकृति में खानों की संख्या कितनी होगी, बताइए, जल्दी बताएंगे आप लोग। दूसरा फिगर है, इस आकृति में खानों की संख्या कितने हैं, बताइए। जल्दी बताएंगे आप लोग। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आकृति में खानों की संख्या गिनना है, कितने खाने हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम बताए थे पहले खाने गिने के कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितने लाइनें हैं, कितने खानों की संख्या है, लाइनें पहले गिन लेंगे, कितने भागों में कटा है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भागों में कटा है। पहले इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, पाँच चार नौ होता है, नौ एक 10 हो गया, 10 3 2 5, 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 5 4 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, ठीक। अब क्या करेंगे, क्षैतिज खानों की संख्या गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, क्षैतिज खानों की संख्या भी हम देख रहे हैं कि 5 आ रहा है आप पर, तो 5 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15 5 कितना होता है भैया, 75 होता है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आकृति अगला त्रिभुज देखते हैं। इस त्रिभुज में आप बताएंगे आप खानों की संख्या कितनी है। बताइए इस त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं, ये पूछेगा। बताइए कितने हैं, बस कुछ नहीं है, आप एक लॉजिक पकड़ लिए तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप आसानी से बता दें, ठीक है। कुछ नहीं है, बस लॉजिक पकड़ना है आप लोग को। खानों की संख्या गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितने हैं यहाँ पर रो, कितने खानों में कटे हैं, कितने खाने हैं, 8 हो गए, ठीक है। खाने का मतलब कि ये सिंगल सिंगल नहीं, इस तरह से लंबा लंबा त्रिभुज की संख्या है ना, त्रिभुज में 8 त्रिभुज में बटा है, ये खड़ी में अगर देखेंगे तो। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। जोड़ने का देखिए तरीका होता है, इस तरह से आप जोड़ेंगे, मान लीजिए कहीं भूल सकते हैं, सीधी सीधा मिलाइए ना, 8 2 10 7 3 10 6 4 10, यानी कि 10 20 30, 30 तो क्लियर हो गया, 30 5 35, 35 1 36, कितनी आसानी से हो गया, देख रहे हैं, 36 गुणे। अब 36 खाना लेना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करिए, 5 का गुणा करेंगे हम, कितना होगा, 6 5 30 को 0, 8 3 हो गया, और 5 3 15, 15 3 कितना होता है, 18 ना, 15 3 18, यानी कि 180 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आकृतियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, ठीक। कितनी आसानी से सवाल हल हो जा रहे हैं, बताइए क्या करना है, कुछ नहीं है।
एक और देते हैं आप लोग के लिए, देखते हैं। थोड़ा सा ये खतरनाक सवाल होगा आप लोग के लिए, बताएंगे ठीक है, घुमाएंगे थोड़ा सा, कुछ है नहीं। यही सवाल है, इसमें बताइए आकृतियों की संख्या कितनी है। इस त्रिभुज में आकृतियों की संख्या कितनी है पूछ रहा है, बताइए। बताइए जल्दी। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, चलिए देखते हैं। देख लीजिए सभी लोग ध्यान से देखिए, पहले गिनिए कितने खानों की संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गया। जोड़ने के लिए आप इस तरह से जोड़िए, चाहे जैसे जोड़िए, सिंपली भाषा में आपको जोड़ना होता है। 6, 4, 10, 3, 2, 5, यानी कि 5, 5, 10, ठीक है। 10, 10, 20, 21। या तो अपने भाषा में जोड़िए, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 21। इस तरह जोड़िए, इस तरह जोड़िए, आपको जोड़ना है जैसे जोड़िए, ठीक है। 21 हो गया प्लस। आप देख रहे हैं ऊपर तो जगह जगह से कटा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे होगा इसको भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो फिर हो गया, यानी कि फिर तो 21 बनेगा ना, फिर तो 21 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 हो गया तो ऊपर भी तो 6 होंगे। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या होगा। यहाँ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। 4 हुआ कि नहीं हुआ, 4 हो गए ना, तो इसको क्या करेंगे, काउंटिंग करिए कितना होगा। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 1 कितना होता है, 10 हो जाएगा। 10, अब ये क्या होगा हमारा, 1, 2, 3, 3 होगा ना, तो 6, 3, 2, 5, 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2 बचा, 1 और 2 बचा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा ना। 21, 21, 6, 10, 3, ठीक है। 21 दुना कितना होता है, 21 दुना 42 होता है, ठीक। 21 दुना 42, 10, 6, 16, और ये हो गया हमारा 3। 6, 3, 9, 2, 11 को 1 हासिल है, 4, 1, 5, 1, 6 कितना आएगा हमारा, 61 होगा ना। 61, यानी कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को हल करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो कहीं पर हो, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आकृति वाले चैप्टर को आज खत्म करना है। कल अगला चैप्टर चलेगा कोई दूसरा। पहले हम भी चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम एमटीएस का जो है चल रहा है फिलहाल, जितने छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनसे नंबर उठने हैं, जो एक एक दिन में खत्म हो जाते हैं, पहले उन चैप्टरों को हम निपटा लेते हैं। जैसे कि आज आकृति पढ़ लिए तो कल डाइस पढ़ेंगे, डाइस भी बहुत चलेगा तो 1 से 2 या 3 दिन चलेगा डाइस, इसके बाद नहीं तो अगला चैप्टर कोई देखेंगे जो आसान हो। इसके बाद
हम चाहेंगे कि आप लोग सीरियल वाइज पढ़ते चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं। सभी चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर की बात होती है। जब तक आप लोग एमटीएस में का पेपर देना आया, या आप लोग को कुछ लोग का कमेंट भी आया था कि सर हमारा अगले मंथ में पेपर है, तो पेपर आए तो ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप लोग का सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। भले ही माइनस मार्किंग ना हो, लेकिन फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप लोग का सेकंड कॉपी या सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। चलिए एक और सवाल देते हैं, टाइप थ्री चलते हैं इसमें। टाइप थ्री में देखेंगे, टाइप थ्री देखेंगे। टाइप थ्री में मान लीजिए कि हम एक आकृति त्रिभुज देते हैं आप लोग को, तो तीसरा है। अब पैटर्न थोड़ा सा कठिन होता चला जाएगा, पैटर्न थोड़ा कठिन होता जाएगा। जब पहले बनाए रखिएगा, आप लोग बताएंगे। इतना जान लीजिए कि आप लोग को समस्या नहीं होने वाली है। जो भी बताएंगे किताबी भाषा से हम हट करके बताते हैं, हर चीज अपने लैंग्वेज में बताते हैं, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यह त्रिभुज दे रखा है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इस आकृति में अगर पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएं? क्या इस त्रिभुज में कितने आकृति हैं, इस चित्र में कितनी आकृतियां हैं, ये भी अब बन सकता है, बताएंगे आप। चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अब तक तो आप ही ले रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15, यही होता है ना। 1 2 3 4 गुणा 4, 15 चौका 60 होता है ना, 15 चौका 60। क्या यह सवाल सही है, आप लोग बताएंगे। क्या यह सवाल जो हल किए हैं बोर्ड पर, क्या सही है? जल्दी बताइए आप लोग। काउंटिंग कर सकते हैं, कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। 5 4 9, 9 1 10 2 12, 12 2 14 15, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या यह सही लगा है सवाल, बताएंगे आप लोग। क्या यह सवाल सही लगा है? सही लगा है कि नहीं लगा है, आप लोग इतने बताएं, क्योंकि आगे भी बहुत टॉपिक बचे हैं। अभी त्रिभुज पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल क्या है, सरासर गलत है। अगर गलत है तो सही क्या है, ये भी तो बात उठेगी। गलत है तो सही क्या है, लेकिन आप तक जो हम मेथड बता रहे थे उसके माध्यम से तो सही लगा है, लेकिन ये गलत कैसे है? चलिए आगे देखते हैं, कैसे गलत हो गया भाई, गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अब तक यही बता रहे थे। खानों की संख्या गिन लो, 36 खानों की संख्या गिन करके गुणा कर दो, लेकिन ये गलत कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखेंगे। यही सवाल था ना, 1 2 3 4 5। ठीक, इसको काउंटिंग किए थे तो कितना आया था आपका, 15 आया था। ठीक है भैया, 15 लाए थे, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 4 का गुणा भी कर दीजिए आप, 60 हो गया। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो सवाल वही आंसर आ गया। नहीं, रुकिए थोड़ा, यह वही सवाल नहीं है, यहाँ पर एक लॉजिक छिपा है। क्या लॉजिक छिपा है बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर एक लॉजिक छिपा है, ध्यान से देखिएगा।
ये जो ऊर्ध्वाधर जो एक रेखा खींच दिया गया यहाँ पर, यही एक मिस्टेक कर रहा है। ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रही है आप लोग को, यहाँ पर देखिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज दिखा, तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, पांचवा दिखा। वो तो जो आप कर रहे थे कर ही रहे थे, लेकिन पांच त्रिभुज क्या हो गए, अलग से निकल गए भैया उसमें। पांच त्रिभुज क्या हुए, अलग से निकल गए। ठीक, एक त्रिभुज, दो, तीन, चार, पांच, पांच निकल गए कि नहीं निकले। पांच निकल गए ना, यहाँ पर पांच क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 और 5 65 होगा कि नहीं होगा, यही हमारा क्या है आंसर होगा जी, यही आंसर होगा। ये हमारा गलत था, यही हमारा लॉजिक यहाँ पर छिपा था। क्या लॉजिक छिपा था, वर्टिकल एक रेखा खींच दिया था, इसी में हम मिस्टेक हो गए थे। ये सवाल सही लगा था, मान रहे हैं सही है, लेकिन ये वर्टिकल रेखा जो खींच दिया है इस सेंटर से इस यहाँ तक, यही एक दिक्कत कर दिया था, यही कंफ्यूजन कर रहा था। और यहाँ पर इस पैटर्न में कोई इस तरह से आप हम करेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। आप लोग बताएंगे, अगला सवाल दे रहे हैं। आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, इस त्रिभुज में या इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है बताइए। कुछ समय दे रहे हैं आप लोग को, 10 सेकंड, बताइए कितने त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम कहे थे पहले खानों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हो गए, 6 4 10 3 2 5, 5 10, 10 1 11, यानी 10 10 20 1 कितना हो गया, 21 हो गया। देखिए कहाँ हम इस तरह से जोड़ रहे हैं, इस तरह जोड़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आप जैसे भी जोड़िए, जोड़ना है पर आप देखिए, 1 2 3 4 5, 5 36 खाने हो गए, 5 का गुणा करिए, 5 1 कम 5, 5 गुणा के 10, 105 हो गए, 105 हो गए। ठीक है, लेकिन और कुछ दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है ना ये, ऊर्ध्वाधर नहीं वर्टिकल है, ये वर्टिकल रेखा जो दिख रही है उसको भी तो हल करना है भाई साहब। चलिए गिनते हैं यहाँ पे कितने हो गए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, यानी कि 6 इसमें क्या हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के खातिर 1 1 1, कितने हो गए हमारे, 111। यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 111 हो गए। ठीक है, चलिए एक और देते हैं। इतना जान लीजिए कि इन सब में कुछ नहीं है, एग्जाम में आता है ऐसा सवाल। ठीक है, एग्जाम में आता है, और एग्जाम में आप लोग काउंटिंग करना शुरू कर दिए, 1 1 2 2 3 3, तो भैया आप तो हम कहा बताएं, आप लोग तो खुदे समझदार है, काउंटिंग करना शुरू किए कि बस कितने पीछे हो गए आप तो जान ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इस त्रिभुज में कितने कितने त्रिभुज हैं,
इस आकृति में। बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आप लोग बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने हैं। पहले क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। 7 3 10 6 4 10 10 10 20, 5 25, 25 2 27 27 1 28, 28 हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6, कितने कितने खाने हो गए यहाँ पर? वर्टिकल वर्टिकल खाने कितने हो गए? 6 हो गए। 6 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 6 48 होता है, 8 8 4 हो जाएगा, 8 गुना के 16, 16 4 कितना होता है? 20 होता है, यानी कि कितना हो गया? 208 हो गया, ठीक है, 208 हो गया। अब देखते हैं जो यहाँ पर वर्टिकल था, वर्टिकल त्रिभुज भी देखेंगे। एक त्रिभुज, दो तीन चार पाँच छ सात, कितने त्रिभुज हो गए? 7 हो गए, ठीक। आप अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आ रहे हैं? 7 गुना 14 15 को 5 हासिल 1 0 1 215, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 215 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई भी दिक्कत होगी तो बता सकते हैं आप लोग। अभी तक मान लीजिए कि वर्टिकल एक लाइन थी, अगर हम दो लाइन बना दें तो वर्टिकल यहाँ पर एक लाइन थी। देखिए सवाल ने एक लिंक दिया है यहाँ पर, वर्टिकल एक लाइन थी, अगर हम दो लाइन बनाएंगे तब क्या होगा भाई? जैसे में देखिए, जैसे में देखिए क्या होगा, अब बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है? अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, कितने त्रिभुज हैं? बताइए जल्दी, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइए? तब तक हम नोट में लिख देते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए, सुविधा रहेगा। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, किताबी भाषा तो नहीं है, हम अपने भाषा में ही लिखेंगे आप लोग के लिए, ताकि समझने में आसानी होगी। देखिए लिखते हैं, अगर अगर कोई लाए, अगर कोई लाइन वर्टिक अगर कोई लाइन वर्टिक से खींची जाए, अगर कोई लाइन वर्टिक से खींची जाए तो जितने खाने होंगे, जितने खाने होंगे उतने बढ़ जाते हैं, जितने खाने होंगे उतने जितने खाने होंगे उतने क्या होता है? बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन वर्टिक से खींची गई, यानी कि वर्टिक से हमारे कहने का मतलब क्या है?
ये वर्टिकल लाइन खींची गई है ना, जितने खाने होंगे यानी कि एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, पांच खाना, छह खाना, यानी कि छह खाना होगा यानी कि उतने त्रिभुज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे में छह खाने हुआ था ना, इसको हल करने पर हमारा 105 आया था, लेकिन खाने हमारे कितने वर्टिक्स थे, छह थे ना, तो देखिए छह बढ़ गया था। यहाँ पर वर्टिक्स हमारे कितने खाने थे, सात खाने थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सात बड़ा था। देखिए चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल में देखेंगे, यहाँ पर डबल क्षैतिज खाने हैं भैया, यहाँ पर क्या होगा, फिर वही काम करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, सभी को काउंटिंग करिए। पहले क्या करेंगे, खानों की संख्या को गिनेंगे, फिर गिन करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, चौदह एक पंद्रह, पंद्रह हो गया, पंद्रह हो गया, ठीक है। अब क्षैतिज खाने कितने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गया, तो पाँच का गुणा कर देंगे, पंद्रह पाँचे पचहत्तर हो गया। अब क्या देखेंगे, वर्टिक देखेंगे, अब वर्टिक खाने कितने हैं, तो वर्टिक खाने देख रहे हैं तो यहाँ पर दो है, वर्टिक खाने यहाँ पर क्या है, दो दे रखा है, ठीक है, वर्टिक खाने कितने यहाँ पर दो है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए इस एक खाने को लेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि यही खाना हमारा इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहला वाला, जब इस तरह से दिख रहा है तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक दो बताए थे, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दो खाने हो गए, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दो एक तीन, नहीं समझ में आया तो एक और दो, अरे भाई साहब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तो पूरा दिख रहा है, ए बी सी, एक दो दो हो गया, एक पूरा को ले लीजिए, तीन हुआ कि नहीं हुआ, उस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि तीन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा तीन होगा, यहाँ पर भी तीन होगा, यहाँ पर भी तीन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, तीन होगा, यानी कि एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गया, यानी कि हमारे वर्टिक खाने कितने हुए, पाँच हुए, एक खाने में तीन है, यानी कि पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह खाने हमारे क्या होंगे और बढ़ जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाँच पाँच दस को जीरो, हासिल एक, सात एक आठ, एक हासिल लिए थे हम नौ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। किसी को डाउट हो तो पूछ ले भाई, कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है सवाल आकृति से, अभी तो आप लोग के लिए हल करा रहे हैं, अभी तो मान लीजिए आप लोग का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोग के एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स को खत्म कर लें, लास्ट में वैसे दो चार या पांच मैराथन क्लास चलाई जाएगी आप लोग के लिए, जिसमें ये लेक्चर जो आप पढ़ रहे हैं ये नहीं उसमें चलेगा, बल्कि जो एग्जामों में अब तक आ चुके हैं, जैसे MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, RPF हो गया, पुलिस हो गया, ROAR हो गया, BDO हो गया, लेखपाल हो गया, जो भी एग्जामों में क्वेश्चन उन टॉपिक से या उन चैप्टर से आ चुके होंगे, उन चैप्टरों को लेकर के आपके सामने हम कम से कम चार या पांच मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें से एक मैराथन क्लास में तीन या चार चैप्टर से क्वेश्चन जो एग्जामों में आए होंगे उनको लेकर के चलेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। तीन टाइप आप लोग पढ़ चुके हैं, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग को आकृति गिनने में दिक्कत होगी, इसी तरह से डाइस चैप्टर भी है, डाइस भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डाइस बहुत होगा, दो या तीन दिन का लेक्चर है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू, अगर आप लोग CGL वगैरह का वहीं देते तो आप लोग का कम से कम सात आठ लेक्चर पढ़ाते, लेकिन MTS को ध्यान में रखते हुए कम से कम आप लोग को दो या तीन या चार लेक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं,
टाइप तीन था, टाइप फोर देखेंगे अब चौथा टाइप क्या है। तब तक हम इंक डाल लेते हैं। इंक क्या डालें? चलिए अगला टाइप टाइप देखते हैं, टाइप नंबर फोर। अब देखिए टाइप नंबर फोर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा आकृति दिया है, ये हमारा क्या है, आकृति दे रखा है। इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज है, देखते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए काम खत्म। ठीक है, आकृति में कितने त्रिभुज है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये सवाल दिया है। ठीक है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है पूछ रहा है, तो बताएंगे इस आकृति में कितने त्रिभुज है। सभी लोग बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा, बेसिक ही लगाइए, ट्रिक तो हम बताएंगे, बेसिक ही लगाइए दिमाग अपना, बेसिक से ही बताइए, आगे हम बता रहे हैं फिर। चलिए देखते हैं, पहले कितने त्रिभुज हैं खानों को गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, कितने त्रिभुज हो गए, 13 हो गए। ठीक है, 13 त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। कुछ बड़ा त्रिभुज बना नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, 13 हो गया ना। चलिए अब इसमें त्रिभुज गिनते हैं कितने हो गए, 13 त्रिभुज तो दिख रहे हैं आप लोग को, आगे देखिए इधर 13 हो गए ना, ये देखिए 14 हो गया, 14, ये देखिए 15 हो गया, 15, ये वाला देखिए 16 हो गया, बड़ा वाला देखिए 17 हो गया, 17 हुआ। छोड़िए बेसिक मेथड, हम ट्रिक ही बताते हैं आप लोग को, जल्दी से वैसे हल करेंगे, इस तरह गिनने में आप खुद फंस जाएंगे, गिनना होगा तो अभी कहिए तो हम गिन करके बताएं आप लोग को, गिन करके बताएं आप लोग को। चलिए बताते हैं, नहीं आप लोग भी कहेंगे कि बता नहीं रहे, अरे कौन जानता है आप लोग को, कौन जानता है आप लोग को, कह भी सकते हैं आप लोग। Thank you.
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ठीक है, नौ खाने दिख रहे हैं ना, नौ त्रिभुज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नौ त्रिभुज है इसमें। चलिए दिखाते हैं आप लोग को, नौ त्रिभुज यहाँ से दिख रहा है। आगे देखिए, पूरा वाला एक ले लीजिए। पूरा जब त्रिभुज लेंगे इस तरह से तो कितना होगा, नौ प्लस वन। इधर देखिए, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, नौ प्लस वन एक और हुआ, एक त्रिभुज देखिए आपका एक और बना हुआ। ये त्रिभुज बना कि नहीं आपका, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया। आइए देखिए, एक और ये त्रिभुज है, ये वाला प्लस एक और, नौ दस ग्यारह बारह तेरह, नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी कि इस त्रिभुज में कितने हैं, 13। ठीक है, अब बताते हैं, ये तो बेसिक था, ये क्या था, बेसिक मेथड था। अब आप लोग को ट्रिक बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक मेथड था, आप लोग बेसिक से सॉल्व कर लीजिए उस तरह से गिन करके। अभी मान लीजिए किसे ही गिनने में हमको कितना समय लग गया, अभी तो कुछ देर पहले भी बड़ा लिख दिए थे तो देखे थे आप लोग को कितनी परेशानी हो रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी ना। तो यही बात है कि एग्जाम में जितना आप लोग एफर्ट लगाएं, जितना आप लोग ट्रिक का प्रयोग करें, जितना जल्दी आप लोग हल करें, उसी का वहाँ पर मान्य होता है। क्योंकि हल करने के लिए तो कोई भी हल कर लेगा तो क्या मतलब निकलेगा जब समय ही बीत जाए तो। ठीक है, ट्रिक के लिए आप लोग एक फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला बोल सकते हैं, सभी लोग लिख लेंगे। फार्मूला में लिखेंगे, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, छोटे त्रिभुज छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे दो माइनस पांच, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे दो माइनस पांच, ये क्या है, हमारा फार्मूला है। छोटे त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज फार्मूला है, त्रिभुज की संख्या निकालने का, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे दो माइनस पांच। अब देखिए कैसे आप लोग सवाल को चुटकियों में हल करते हैं, इसी सवाल को उठाते हैं। ठीक है, उसी सवाल को उठा लेते हैं, क्या दे रखा था, बड़ा हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यही था ना। अब इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या, तो रखिए आप इसी पर रखिए ना, छोटे त्रिभुज की संख्या, नौ तो त्रिभुज है गुणे दू, छोटे त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे दू माइनस पांच, यानी कितना होगा, नौ दुना 18 माइनस पांच, आठ में से पांच घटेगा तीन बचेगा, आठ में से पांच घटेगा कितना बचेगा, तीन बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक हो जाएगा। 13 आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी देखिए 13 लाए थे, यहाँ पर भी 13 आ गया, यानी कि ये बेसिक मेथड था, ये ट्रिक मेथड। आप लोग को जो पसंद आए वो हल कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा, ट्रिक मेथड ही होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह से सवाल पूछ दे तो आप लोग तो खुद घूमते ही रह जाएंगे, कैसे हल होगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे अब,
चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज दिया है, ठीक है। इस त्रिभुज में बताएंगे कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने त्रिभुज हो गए? 13 त्रिभुज हो गए। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 13 हो गई। लिख सकते हैं इस तरह से आप लोग, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। फिर फार्मूला क्या था हमारा? छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2। छोटे त्रिभुज कितने हो गए? 13 हो गए। गुणे क्या करना है? 2 करना है -5। 13 दुना के 26 -5। 5 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, 2 हो गया। यानी कितना हमारा आंसर आएगा? 21। यानी कि इस त्रिभुज में, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 21 होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल देते हैं, आप लोग बताएंगे। कुछ गड़बड़ बन गया लग रहा है। बताइए इस खानों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं करना है, फार्मूला भी बता दिया आप लोग को, बस इस पर रखिए और फटाक से उत्तर बताइए। रखिए और फटाक से उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने त्रिभुज बन गए? छोटे त्रिभुजों की संख्या आई कितनी हमारी? छोटे त्रिभुजों की संख्या 16। छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 -5, गुणे 2 -5। हाँ एक बात और, ये नहीं पूछेंगे कि भैया कहाँ से फार्मूला बना दिए। देखिए ये फार्मूला बनाया गया है, बस आप इतना जान लीजिए कि आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये तो कोई भी याद कर सकता है। छोटे त्रिभुज गुणे 2 -5, छोटे त्रिभुज गुणे 2 -5, छोटे त्रिभुज गुणे 2 -5, कोई भी याद कर लेगा, ठीक है। 16 दुना के 32 -5 कितना होगा? घटेगा इसमें, 12 में से 5 घटेगा तो कितना होता है? 7 5 12, बचा यहाँ पर 2। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? 27 आंसर आएगा, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ रहा है? बहुत जल्द हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। बस लास्ट सवाल है, ये तो आप लोग को समझाने में ही, मतलब कि ये तो आप लोग की एक तरह से प्रैक्टिस ही हो रही है। एक और सवाल है, लास्ट सवाल है आप लोग के लिए, आप लोग बताएंगे इसे, आप लोग बताएंगे। जल्दी बताइए, छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहाँ पर? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है। छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2, 6 गुणे 2 -5, 6 दुना 5
12 माइनस 5 7, 5 12, यानी उत्तर हमारा 7 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को? हमें आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक, यही हमारा था। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, अगला पार्ट जैसा बताइए, अगला पार्ट पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं आप लोग को, जो भी बताइए आप लोग जैसा, क्योंकि तो एक ही दिन ज्यादा खिला देने से वो भी दिक्कत है। हमें क्या करना, हम तो आप लोग को बता सकते हैं, बताने के लिए तो हम तो कुछ भी बता देंगे, हमारा क्या है। ठीक है, यहीं पर क्लास आज फोर टाइप पिक पढ़े हैं, फोर टाइप, यहीं पर क्लास बंद करते हैं। आप लोग पीछे का रिवीजन करते रहिएगा, लेक्चर वहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।